अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण संकट बढ़ता ही जा रहा है। दो दिन पहले व्हाइट हाउस में एक नौसेना के अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब एक महिला अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जानकारी के अनुसार ये महिला अधिकारी अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रवक्ता हैं। इस हफ्ते व्हाइट हाउस की ये दूसरी अधिकारी हैं जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इससे पहले व्हाइट हाउस में तैनात नौसेना के अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वो रोजाना अपनी कोरोना जांच करवाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी नौसेना के एक अधिकारी जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी सहायकों में से एक थे, उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये अधिकारी व्हाइट हाउस में तैनात सैन्य इकाई के सदस्य हैं। अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ट्रंप परिवार के इस महामारी से संक्रमित होने के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है।